सारे भाई ने भी मेरी राम राम, नरेश भाई की भी राम राम भाई। और भाई ठीक है भाई? बढ़िया। अच्छा तो भाई कल एक मीटिंग हुई थी, सारी बातें सूत्रों के हवाले से हैं, हमारी कोई पुष्टि को नहीं भाई, फिर भी जो भी एक मैसेज आया था उस माध्यम से मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कल रात एक रोहतक में मीटिंग हुई थी, भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर व्यक्ति उस मीटिंग में आए थे, अमित शाह जी भी सुनिए है भाई मीटिंग में थे, और जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे विधानसभा 90 के 90 विधानसभाओं के बारे में पूछा गया, उन व्यक्तियों के नाम और लिस्ट मांगी गई जो वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, टिकट की फिराक में है, जो टिकट की फिराक में 10-10, 15-15 जो जिस भी विधानसभा सीट पर 10-10, 15-15 कैंडिडेट हैं उनकी उनकी चर्चा की गई। हाँ, उनके बारे में चर्चा की गई, तो सबसे पूछा गया और सब ने एक लिस्ट और एक जानकारी सी दी, जी भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे विधानसभा में इतने लोग हैं, इनकी नाम गांव गुआंड सारी लिस्ट उनको दी गई। तो अमित शाह जी ने फिर सुभाष बराला जी को भी कहा कि जी आप भी अपने हलके के बारे में दो, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के वाले से खबर है, तो सुभाष बराला जी के पास कोई ऐसी लिस्ट, कोई ऐसी सूची नहीं थी, तो बड़ी अचरज की बात अगर ऐसा हुआ है तो सुभाष बराला जी से जब अमित शाह जी ने पूछा कि भाई आपकी लिस्ट दो, सुभाष बराला जी दाएं बाएं देखने लगे और अमित शाह जी बोले ये तो शुक्र मानो मीडिया नहीं है, यहाँ पे मीडिया होती तो भी इस बात की खबर छप जाती, भाई फिर कहूँ सूत्रों के वाले से खबर है ये। तो ऐसी वार्तालाप हुई, तो वहाँ पर एक सुभाष बराला जी शायद थोड़ा सा पीछे थे लिस्ट देने में, बाकी सब ने एक अपनी लिस्ट दी है जो जो विधानसभा से टिकट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। तो आज 2 बजे अप्रोक्स 2 बजे इस मीटिंग का समापन हुआ, वो रात की बात थी, रात गई बात गई, सुबह आ गई नई बात आ गई, तो सुबह सभी व्यक्तियों ने, सभी बड़े बड़े कद्दावर व्यक्तियों ने उस लिस्ट को पेटी में बंद करके और भेज दिया। लिस्ट सौंपी किसको? जो हरियाणा लेवल पर और जो बड़े लेवल पर बड़े बड़े जो नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रभारी हैं, महासचिव हैं, महामंत्री हैं, इस तरह से बिल्कुल जो बड़े बड़े व्यक्ति थे उनको वो लिस्ट सौंपी गई, 15-15, 10-10 व्यक्तियों की हर विधानसभा से। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक सुनने में आया है, इस हफ्ते 10 दिन में सबका नाम फाइनलाइज हो जाएगा और कौन कितनी जगह कहाँ रखा है, कौन कितनी हैसियत जहाँ रखा है, सरकार किस हिसाब से किसको टिकट वितरण देवे है और के कुछ सिस्टम बना है, दूध का दूध और पानी का पानी इस हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा बिल्कुल। तो नू बता मैंने नेसी नरेश भाई कि कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर लगा इस बारे में होगा, मतलब भाजपा यूं तो सोचेगी नहीं भाई उस विधानसभा में इस जाति के लोग हैं तो जाति बिल्कुल होगा, कास्ट फैक्टर भी होगा, होगा ना बिल्कुल होगा, मैंने लग गया है ऐसा। और इस टिकट बटने से कुछ लोग वे भी हो जाएंगे, मैं क्या करें, मैं बाजा करूँ नाना की क्या करें, बागी बागी हो जाएंगे मजा होगा भी देने में, स्वाद होगा, न्यूज़पेपर और मीडिया में खबर आओगी भाई बीजेपी को झटका लगा, बीजेपी को झटका लगा है हाँ, बीजेपी को जोर का झटका करारा झटका, हाँ, पूर्व विधायक चले गए पार्टी छोड़ के, हाँ, फलाना नेता चला गया, वो पहले कांग्रेस से आया था, पहले इनेलो से आया था, फिर घर वापसी हुई, ऐसे ऐसे होगा विद्याने में स्वाद होगा मेरी बात। अच्छा भाई जो ये रोना पुकार है ये तो भाजपा की बखत तो लेगी, और उसके बाद जो और पार्टियां हैं, वैसे दुष्यंत जी ने भी 6-7 कितने आदमियों की लिस्ट छपी है, दुष्यंत के 7-7 आदमियों की लिस्ट हुई है। तो चलो भाई बाद में बात करेंगे, इतनी खबर हमने दी है, इसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन ऐसी बात हुई है, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी बता दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, बात माता की जय।